वेलकम जी। बहुत खलारा पिया होया वे, पर मैं बनाना है केक। केक बनाना है, कल तुहाडे अंकल का बर्थडे है, उहदे वास्ते हुण जो तो पावांगी तो काम हो जाना भी कल तुहाडे अंकल का बर्थडे है। वो फिर पिछों तक आंदियां रहिंदियां है, बर्थडे केक बना रही हैं, वैसे ही समझ लो। तो यह हैगी जी शक्कर, शक्कर जिहड़ी है वह मैं मंगाई है बाजारों, तो आ गई ऑरगैनिक। चलो फिर वरत लैने, एक कटोरी शक्कर दी है, ते बाकी भी समान तुहानू दसदे आ भी की कुछ पाते हैं। एक दो चम्मच मैं मलाई भी ली हुई है, ठीक है। यह दो चम्मच मलाई, ते एक कप दुध आ, ये दुध पाता एक कप, ते ये जड़ा वे तुसी जो आखो कर लांगी। मेरा जी ये ब्लैक है, साढ़े कोल चॉकलेट मैं थोड़ा जा रख लिया, मैं सोचती हाँ भी सारा ना पाव। ये बहुत सौखा केक है, मैं तो सिखावगी। तुम कहो कि आंटी इन्ना सौखा है, मैं कोई ड्रामे ड्रूमे नहीं करने, आराम नाल केक बन जाना जी। तो ये एक मैं ए वाली शक्कर है ये पाती है, शक्कर वाला बना रही हाँ, कि यह भी चॉकलेट भी है पर शक्कर वाला भी है। तो इनू असी ना माइक्रोवेव दे विच एक मिनट लगा लेंगे, तो यह तो हो गया साडा ये तैयार। तो एक मैं पानी सी कॉफी रुक तैयार किया वे, इधरों असी कॉफी जिहड़ी है ना वो पा लेनी है। एक चमचा कॉफी का दुध विच पा के रख लेना वे, चमचे ना ज़्यादा भी पा सकते हो, छोटा है चम्मच, मैं थोड़ा जो उपर पाया। तो मेरी आदत है उपरों उपर पाने की, कहूँगी एक कड़छी घ्यो माड़ा जहा जब तक होर ना ना पाइए चैन जै नहीं आता, तो ये घुल जाएगी, रख दें। हूँ आ गया ये समान, ये ना मैं पता की पाना जे, मैं पाना वे मक्खन। असी मक्खन च बनावे केक, वैसे बन किसी च भी सकता पर असी बनावांगे मक्खन दे विच। ते मैनू चाहिदा चम्मच। ये जी मक्खन, मक्खन असी ना जिन्ना केक बना रहे हैं, मैं जिन्नी शक्कर पाई सी उन्ना ही तो मैं वो पाना है, मैं थोड़ा जिहा उस तो ज़्यादा पा लाँगी आटा। तो ये जिहड़ा मक्खन है ना ये किन्ने ग्राम हैगा वे, ये ज़्यादा होना 100 ग्राम तो दिसदा ध्यान नहीं मैनू, 100 ग्राम है कि ज़्यादा है भाई, किन्ना वे तू ही दस दे, बोल पै भी मैं 100 ग्राम हाँ। तो नीचे होएगा, चल छड्ड बराना मैनू नहीं दिसदा, अंदाजे ना मैं पाता ये, मैं 100 ग्राम तुसी पा लेना, तो मैं अंदाजे नाल 2-3 चम्मच पा के, तो इनू 1 मिनट दे लई माइक्रोवेव दे विच रख के, तो सारा कुछ इहदा पिघल जाएगा। पहला असी यही कम कर लेना। एक असी पाई सी ना शुगर नहीं शक्कर, ये जबान बड़े गुत्ते खाती है। तो देखो जी मेरे को ना मैदा भी हैगा साजे, दे लो लिखा हुआ मैदा, चीनी भी कुटी हुई हैगी है, पर मैं बना रही हूँ कितने तो विच कुछ हैल्दी हो जाए, तो मैं बना रही हूँ केक हैल्दी वाला। तो ये सब तो पहला पेगा गिले चमचे के नाल बेकिंग पाउडर। लो तो जी हिला लेना, इस तो इलावा पता है ये असी की पाना जे, एक हैगी जी दही, क्योंकि असी आंडे नहीं पाने, असी ये पहला इनू ना हल्का कर लो। ये जिहड़ा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा पाने का मतलब हुंदा वे भी ये हल्का हो जाए, है ना, ये आटा जिहड़ा है ना ये हल्का हो जाता वे। तो फिर ये असी जिहड़ी चीज़ा रला मिला के फटाफट पा लेंगे, घोल मोल लिया सारा इको थां ही सब चीज़ा पा लिया ने, शक्कर भी विचे विचे। तो ये साड़ी सीगी कॉफी, इनू भी असी ये ही कॉफी भी ये ही मिला के, तो इस ही घोल मोल लेना। तो ये असी जी दही है ना ये टेंपरेचर ना अंदरों कढ़ी हुई है, मैं बाहर रखी है भी थोड़ी जी ठीक हो जाए, तो हो ही जाएगी वैसे उन्नी देर पहले ये पा लें, ताकि ये ठीक टेंपरेचर है, बहुत गर्म नहीं है बहुत ठंडा भी नहीं है, लेकिन रूम टेंपरेचर जिन्ना ये हैगा, इनू असी सारे नू आटे दे विच इदा पोर लेना है, सारे नू इदा पा लेना है, ठीक है। कोई अंडा नहीं पाया, कोई घी नहीं पाया, कोई तेल नहीं पाया, 3 चम्मच मक्खन जरूर पाया वे,
ते इनू असी हुण अपने इस जड़ा इहदी मशीन है उहदे नाल घोल लांगे। इहदी मशीन किहड़ी है तुसी पुछोगे, मशीन इहदी आई है होर किहड़ी है। वैसे जे तुहाडे कोल इलैक्ट्रॉनिक होवे ना उहदे नाल भी कर सकदे हो, पर इहनू जिन्ना असी अच्छा बीट करांगे उन्ना अच्छा साडा केक बन के आएगा। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਕਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਲਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਕ ਸਪੰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਬੀਟ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਬੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੇਕ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰੀਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਟਾ ਮੈਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਡਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਡਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਇੱਦਾਂ ਰਹੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਟਰ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫੁੱਲਦਾ ਕੇਕ, ਅਸੀਂ 2 ਕੇਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ, ਫੁੱਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਓਵਨ ਹੈ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੇਕ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ। ਆਜਾ ਆਜਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆਜਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਕੂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ, ਚਾਕੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਓਟੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਓਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕੇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਐਨੀਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਟਣਾ। ਕੱਟਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੱਢਣਾ, ਦੇਖੋ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੇਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਵ ਵਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਓ ਕੇਕ, ਹਾਰਟ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਗੋਲ ਬਣਾਓ, ਸਟਾਰ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਬਣਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਕ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਅਰ।